डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है ओपेरिन हार्डेन थ्योरी। इसका दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, केमिकल इवोल्यूशन और कीमोजेनी। पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहले पृथ्वी बनी थी, उस पृथ्वी के ऊपर जो जीवों का उद्भव है, लिविंग बींग्स का जो उद्भव है, उनका जो ओरिजिन है, उसको पढ़ेंगे अपन। और उस थ्योरी को अपन बोलते हैं ओपेरिन हार्डेन थ्योरी, क्योंकि जो सबसे पॉपुलर कंसेप्ट दिया गया था वो ओपेरिन और हार्डेन के द्वारा दिया गया था, इसलिए उस कंसेप्ट को क्या, थ्योरी को क्या बोलते हैं, ओपेरिन हार्डेन थ्योरी, या फिर थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ या केमिकल इवोल्यूशन, या फिर उसको अपन कीमोजेनी बोलते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि जीवों का उद्भव है, ओरिजिन है वो पृथ्वी के ऊपर कैसे हुआ। ओपेरिन और हार्डेन है वो दो साइंटिस्ट थे, एक रशियन साइंटिस्ट था और एक है ब्रिटिश साइंटिस्ट। इन्होंने 1923 के अंदर, और ये है 1920 जो जोहन हार्डेन, यानी दो साइंटिस्ट थे ओपेरिन और हार्डेन, एआई ओपेरिन और जोहन हार्डेन, इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था। दे इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड बाई टू साइंटिस्ट, इन दोनों ने मिलकर के सिद्धांत को नहीं दिया था, दोनों पैरेलल अपना काम कर रहे थे और इनके दोनों को जो रिजल्ट है वो लगभग सेम थे, और इन्होंने एक मिलकर के एक थ्योरी दी जिसका नाम है ओपेरिन हार्डेन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू ओपेरिन लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक सबस्टांसेस फाउंड इन ओसिन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ अबाउट 3.3 बिलियन ईयर अगो। ये थ्योरी ये कहती है कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो नॉन लिविंग बींग से हुआ है, निर्जीव पदार्थों से हुआ है, नॉन लिविंग बींग से हुआ है। और वो नॉन लिविंग पदार्थ कहां पे थे, समुद्र में, ओरिजिन वो किस में थे, समुद्र के अंदर, ओशिन के अंदर। पृथ्वी के ऊपर जो ओशिन था, प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर जो ओशिन था, समुद्र था, उसके अंदर जो नॉन लिविंग मेटेरियल है, उन्हीं से लाइफ का ओरिजिन हुआ है। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस भी बोल सकते हैं इसको अपन, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, यानी जो लिविंग बींग का जो ओरिजिन है वो नॉन लिविंग से हुआ है, ये थ्योरी ये कहती है। और कहां पर हुआ है, ओशिन के अंदर। बार बार में अपन पढ़ते हैं कि जीवों का उद्भव कहां हुआ था, पानी, लोग बाग कहते हैं कि पानी में हुआ था, अपन बार बार में पढ़ते हैं कि पानी में हुआ था, तो वो पानी कौन सा, ओशिन, जिसको आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि उस ओशिन के अंदर, उस समुद्र के अंदर है वो ओरिजिन कैसे हुआ था। बट यहां पर दो कंसेप्ट है, एक है केमिकल इवोल्यूशन और दूसरा होता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में क्या हुआ, जो ओपेरिन और हार्डेन ने बताया था, उन्होंने ये बताया था कि जो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स है, जो मैक्रो मोलिक्यूल्स है, वो पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से बने, पृथ्वी के ऊपर मैक्रो मोलिक्यूल्स, जिसको अपन स्मॉल में अपन पूछे तो अम्यूनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे पायरिमिडिन बन गया, उसके न्यूक्लियोसाइड बना, न्यूक्लियोटाइड बना, आरएनए, डीएनए, ये सब क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स कैसे बने, ये हार्डेन और ओपेरिन ने बताया यहां तक, और उस थ्योरी को अपन क्या कहते हैं, केमिकल इवोल्यूशन। और उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फिर जीव कैसे बना, सेल कैसे बनी, और वो सेल आगे जाकर के कैसे, पहले प्रोकैरियोट बने, फिर उसके बाद में यूकैरियोट्स बने, उसको अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो इस कंसेप्ट को अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे, दो वीडियो बनाएंगे इसके, दो पार्ट में पढ़ेंगे। जो आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है, केमिकल इवोल्यूशन या कीमोजेनी, कीमोजेनी या केमिकल इवोल्यूशन। और जो सेकेंड वीडियो, जो सेकेंड पार्ट जो है, उसमें पढ़ेंगे अपन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोजेनी। तो दो चीज होगी यहां पर, केमिकल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड या मैक्रो मॉलिक्यूल्स का बनना क्या कहलाता है, केमिकल इवोल्यूशन। और सेल का बनना, और सेल का बनना और उसके बाद में आगे जाकर के और उसका इवोल्यूशन होकर के यूकैरियोटिक सेल का बनना क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और वो कहलाता है बायोजेनी। तो आज अपन पढ़ेंगे कीमोजेनी।
तो इस निमोजेनी में क्या बताया कि जो भी लिविंग बींग्स बने हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म बने वो किससे बने? नॉन लिविंग से। ठीक है, ये एक अपने समरी बनाई है यहां पे कि पृथ्वी के ऊपर उस समय क्या कि बहुत सारे एटम्स मिलते थे। ठीक है, तो वो एटम्स क्या है, उनमें आपस में क्या हुआ, फिजियोकेमिकल प्रोसेस हुआ, वो एटम्स क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, और उन मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और उन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर इंटरेक्ट होकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और वो इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आगे जाके फर्स्ट लिविंग बींग्स या लिविंग सिस्टम या सेल का निर्माण करते हैं। तो ये एक केमिकल इवोल्यूशन है, केमिकल प्रोसेस है, जिसको अपन अपन डिस्कस करेंगे यहां पे। ये अपन एक समरी बताइए। अब इस कंसेप्ट को अपन द एंटायर प्रोसेस डिवाइडेड इनटू फाइव स्टेज, पांच स्टेज के अंदर अपन इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे सिस्टमेटिकली, ताकि आपके आराम से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो फेज है वो कौन सा है, एटॉमिक फेज। उस एटॉमिक फेज में क्या, एटॉमिक फेज नाम क्यों दिया, क्योंकि उस समय पृथ्वी के ऊपर 3.3 बिलियन ईयर्स अगो क्या मिलते थे, केवल एटम मिलते थे। और वो एटम ही क्यों मिलते थे, वो इसलिए कि पृथ्वी हॉट थी, गर्म थी, और उस गर्म की वजह से, हॉटनेस की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, इंडिविजुअल एटम्स ही मिलते थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, इन एटम्स में इस प्रकार का प्रोसेस चला और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जाकर के बन गए। तो फर्स्ट जो अपना आता है प्रोसेस आता है वो क्या, एटॉमिक फेज। एट द टाइम ऑफ अर्थ फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ अर्थ फॉर्म, जब पृथ्वी बनी उस समय वहां पर क्या कंडीशन थी। देखिए, पहला टेम्परेचर वॉज वेरी हॉट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, देर वॉज नो ओजोन, पृथ्वी के ऊपर कोई ओजोन नहीं थी, एटमोस्फियर रिड्यूसिंग टाइप। एटमोस्फियर रिड्यूसिंग टाइप का मतलब यह है कि उस समय फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, नो फ्री ऑक्सीजन, नो फ्री ऑक्सीजन, उस समय कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के वाटर बना लेती थी, तो कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। तो जो इन्वायरमेंट है वो क्या था, रिड्यूसिंग टाइप का इन्वायरमेंट था, और इन्यूमरेबल एटम्स, इन कंडीशंस के अंदर है वो जीवों का या मॉलिक्यूल्स का बनना प्रारंभ हुआ। बट आज इस समय वो मॉलिक्यूल्स का निर्माण नहीं हो सकता जिस तरीके से पहले निर्माण हुआ था, जिससे पहले फॉर्मेशन हुआ था। इसीलिए कहते हैं कि एबायोजेनेसिस फर्स्ट एंड बायोजेनेसिस फॉर एवर। एक एबायोजेनेसिस एक बार हुआ है, लेकिन बायोजेनेसिस है वो लगातार होता जा रहा है, समझ में आया। तो ये जो कंडीशन है उस समय थी, आज नहीं है, इसलिए आज एबायोजेनेसिस नहीं होगा। एबायोजेनेसिस तो एक ही बार हुआ है पृथ्वी के ऊपर, एबायोजेनेसिस एक ही बार हुआ है, बट बायोजेनेसिस फॉर एवर, क्योंकि ये कंडीशन उस समय थी, आज नहीं थी। कारण, क्योंकि एटमोस्फियर उस समय रिड्यूसिंग टाइप का था, यानी नो फ्री ऑक्सीजन, उस समय फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन आज तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पाई जाती है, इसलिए वो रिड्यूसिंग, आज तो ऑक्सीडाइजिंग एटमोस्फियर है, तो उसके अंदर इवोल्यूशन और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो इवोल्यूशन है, केमिकल इवोल्यूशन संभव नहीं है। चौथी चीज है कि उस समय इन्यूमरेबल एटम्स, पृथ्वी के ऊपर खूब सारे एटम्स पाए जाते थे, उन एटम्स को अपन ने क्या किया, तीन में डिवाइड किया, किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रिक मास। उनका जो कंसेंट्रिक मास है, उस मास के आधार पर अपन ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, फर्स्ट है हैवी वेट, मीडियम वेट और लाइट वेट, उस समय जो पृथ्वी पर मिलते थे। हैवी वेट में क्या आता है, आयरन, निकल और कॉपर, ये तीन हेवी वेट ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ अर्थ, ये अर्थ के सेंटर में पाए जाते थे। मीडियम वेट देखिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोराइड और फ्लोराइड, कलेक्टेड इन द कोर ऑफ अर्थ, ये अर्थ के कोर में पाए जाते थे। देन थर्ड, लाइट गैसेस, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये क्या पाए जाते थे, एटमोस्फियर में, पृथ्वी के ऊपर जो एटमोस्फियर है उसके अंदर गैसेज है ये, तो गैसेज के रूप में पाए जाते थे। तो इस प्रकार से ये एटम्स वहां पर पाए जाते थे। इसके अलावा देखिए आप,
वहां पर जो एनर्जी सोर्स था उस समय पृथ्वी के ऊपर जो एनर्जी सोर्स, क्योंकि कोई भी क्रिया होगी तो आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, और वहां पर उस समय जो एनर्जी के सोर्स थे वो क्या थे, हीट फ्रॉम वोल्केनिक एरप्शंस। वोल्केनिक एरप्शंस से जो उष्मा निकलती थी वो एनर्जी का काम करती थी, जो लावा निकलता था उसकी जो हीट होती थी वो एनर्जी का काम करता था। लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स, बादलों की आपस में गड़गड़ाहट से जो लाइटनिंग उत्पन्न होती थी वो एनर्जी का काम करती थी। थंडरस्टॉर्म, यूवी रेज एंड एक्सरेज, ओजोन नहीं थी, देयर वाज नो ओजोन, देयर वाज नो ओजोन उस समय, ओजोन नहीं थी, यूवी रेज सीधी पृथ्वी के ऊपर आती थी, यूवी रेज और एक्सरेज, इसका मतलब वो भी एनर्जी का एक सोर्स था। जब अपने पास में एनर्जी का सोर्स है और अपने पास में एलिमेंट्स है, These are the essential elements for the formation of protoplasm. ये सारे के सारे वही एलिमेंट है जिनसे प्रोटोप्लाज्म बनता है। एक जीव की कोशिका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट उसका प्रोटोप्लाज्म होता है, और उस प्रोटोप्लाज्म के बनने के लिए इन्हीं चीजों की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा इनसे जब मोलिक्यूल्स बनेंगे तो आपको एनर्जी चाहिए बनाने के लिए, और एनर्जी वहां पर अवेलेबल थी, सारी चीज वहां पर अवेलेबल थी। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सॉरी, और एनर्जी सोर्सेज अपने पास में है। कहां उत्पन्न हुए, ओशन में, पानी के अंदर, ये सारी चीजें पानी में कैसे आई मैं डिटेल में आगे बताऊंगा आपको। लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर बिकॉज वाटर इज एन एक्सीलेंट सोलवेंट एंड प्रोवाइड मोलिकुलर इंट्रैक्शन। पानी जो है वो सबसे बेस्ट सॉल्वेंट माना गया, और जो मॉलिक्यूलर जो इंट्रैक्शंस है वो सबसे ज्यादा पानी के अंदर होते हैं, क्योंकि वो बेस्ट सॉल्वेंट होता है, बेस्ट सॉल्वेंट होता है पानी, इसलिए यहां पर वो सारी की सारी क्रिया। और ये पानी कहां पर है, ओशन में, ठीक है। नॉन लिविंग बींग्स क्या, ये सब नॉन लिविंग बींग्स है। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो लिविंग बींग्स है वो नॉन लिविंग बींग्स से ही बने हैं। तो ये सारा का सारा मटेरियल अपने पास में पृथ्वी के ऊपर उस समय अवेलेबल था, और इससे जाकर के आगे कैसे बना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट स्टेप अपनी थी एटॉमिक फेज, और सेकंड फेज है फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कैसे बने। इन प्रीबायोटिक एनवायरमेंट एटम्स कुड नॉट कंबाइन। अपन ने पिछली वाली फेज में ये बताया था कि खूब सारे एटम्स पाए जाते हैं, उनको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, और एनर्जी के सोर्सेज बताए थे, और वाटर एज ए बेस्ट सॉल्वेंट बताया था। अब वो रिएक्शन करके किस प्रकार से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जब उस समय जो एनवायरमेंट था उसको प्रीबायोटिक एनवायरमेंट बोलते थे, प्रीबायोटिक एनवायरमेंट, क्योंकि उसमें उस समय जीवों की उत्पत्ति हुई नहीं थी, इसलिए प्रीबायोटिक एनवायरमेंट था। जैसे प्रीबायोटिक एनवायरमेंट एटम कुड नॉट कंबाइन, इस प्रीबायोटिक एनवायरमेंट में एटम है वो आपस में रिएक्शन नहीं कर पाते थे, क्योंकि टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता था, इसलिए वो आपस में रिएक्शन नहीं कर पाते थे। बट एज टेम्परेचर डाउन, जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स थे वो सबसे ज्यादा किसके थे, हाइड्रोजन के, और मोस्ट रिएक्टिव भी कौन सा था, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम्स विच इज मोस्ट न्यूमरस एंड रिएक्टिव कंबाइंड विद O2 फॉर्म वाटर। वो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होकर क्या बना, पानी, लीडिंग टू नो फ्री ऑक्सीजन। जितनी भी फ्री जो ऑक्सीजन थी एटॉमिक जो ऑक्सीजन थी उसके साथ में हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बना लिया, पानी। तो इसका मतलब फ्री ऑक्सीजन है वो नहीं थी, इसीलिए वहां पर क्या था, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट। इस तरीके से ये वाटर बना। हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद नाइट्रोजन, उसके बाद में हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाया, अमोनिया। तो ये दोनों को दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर और अमोनिया। इसका मतलब फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सही है जो पृथ्वी के ऊपर बने, वाटर और अमोनिया। ये बनने के बाद में बट रिमेन इन वेपर फॉर्म, बनने के बाद में भी वाटर जमीन पे नहीं था, वो भी वेपोराइज था, वो भी क्या है, वेपर फॉर्म में था, वाष्प के रूप में। अमोनिया भी क्या है, गैस के रूप में पाई जाती थी, कहां पर, एटमॉस्फेयर में। एज अर्थ कूलिंग डाउन, जैसे पृथ्वी और ठंडी हुई, रेन स्टार्ट हुई, बारिश का शुरू हुई, और जब रेन स्टार्ट हुई तो वाटर है वो जमीन पे आया, लेकिन जमीन है वो हॉट टेम्परेचर की वजह से
इतनी भी ठंडी नहीं थी, तो वापस पानी क्या होता था, वेपोराइज होता, और उसके बाद में फिर बारिश होती, और बारिश होने के बाद में वापस पानी वेपोराइज होता, क्योंकि होट थी, जमीन भी क्या थी, होट थी, तो वापस वेपोराइज। ये क्रम लगातार चलता रहा, बारिश हुई है तुरंत उसके बाद में वेपर बनती है, उसके बाद में फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर बारिश होती है। ये मिलियंस ऑफ ईयर ये प्रोसेस चला, बारिश होती है, धीरे धीरे बारिश होना, उसके बाद में वापस पानी का वेपराइज होना, उसके बाद में फिर बारिश का होना, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये प्रोसेस चलता रहा। और धीरे धीरे इस प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, पृथ्वी वो ठंडी होती गई, और एक बार बाद में क्या हुआ, हेवी रेनफॉल हुआ, बहुत तेज बारिश हुई, और उस तेज बारिश की वजह से रिवर्स भी बन गई और ओशियंस भी बन गए, नदियां बन गई, समुद्र बन गए। और इन नदियों के बनने से क्या हुआ, जितने भी मिनरल्स थे, जो अपन ने तीन फेज दो फेज में बताए थे, हेवीएस्ट और मीडियम, जितने भी जैसे निकल है, आयरन है, कॉपर है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फर, सिलिकॉन, ये सारे के सारे जो जमीन के थे रिवर्स, उनको कहां पर ले गई, ओशियन के अंदर ले गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समुद्र बन गए, ओशियन बन गए। इन ओशियन के अंदर, और ये जो वाटर और जो अमोनिया जो अपन ने बनाई थी यहां पे पहले बताया था, वो किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, तो जब बारिश हुई तो वो भी क्या है, पानी के अंदर डिजोल्व होकर के यहां पर ओशियन के अंदर आ गई, कौन, वाटर और अमोनिया, सारा का सारा किस में आ गया, ओशियन के अंदर। यहां पर आकर के ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब उस पानी के अंदर, ओशियन के अंदर जो सबसे पहले बने बाद में वो क्या है, सिंपल ऑर्गेनिक, तो थर्ड अपनी फेज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसको अपन माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उन माइक्रो मॉलिक्यूल्स का बनना स्टार्ट हुआ। कैसे हुआ, जैसे पृथ्वी और ठंडी होती गई, एज द अर्थ कंसिडरेबली कोल्ड, कार्बन प्लस लावा प्लस हाइड्रोजन, लावा से तो क्या मिली, हीट मिली है, एनर्जी मिली है, कार्बन लावा और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बाइड बनाते हैं, और ये कार्बाइड आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, मेथेन। फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो पृथ्वी के ऊपर जो पहला सबसे पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना वो क्या है, मेथेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये, तो सबसे पहला ये ऑर्गेनिक था, और इनऑर्गेनिक में ये दो बने थे। उसके बाद में ये मेथेन और CO2 के साथ में क्रिया करके, वाटर के साथ में क्रिया करके क्या बनाती है, क्योंकि यहां पर कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया, ग्लूकोज भी बन गया, ग्लिसरॉल भी बन गया, और फैटी एसिड भी बन गया। इन तीनों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है। तो इस प्रकार से पानी और ये मेथेन और उसके बाद में CO2, ये मिलकर क्या बना रहे थे, ग्लूकोज, सिंपल शुगर, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल शुगर, बोलते हैं इसको सिंपल शुगर, ग्लूकोज नहीं लिख करके आप यहाँ पर सिंपल शुगर लिखिए, सिंपल शुगर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बन गए। उसके बाद में मेथेन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में क्रिया करके अमोनिया H2O, इससे रिएक्शन करके प्यूरिन और पाइरिमिडिन बनाते, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स जो है उसका पार्ट होते हैं, प्यूरिन और एडिनिन, गुआसिन, साइटोसिन, थायमिन, ये प्यूरिन और पाइरिमिडिन बन गए। उसके बाद में मेथेन अमोनिया H2O और CO2 के साथ में क्रिया करके क्या बनाती है, अमीनो एसिड्स। ये जितनी भी क्रिया होती है, तो अपने पास में अमीनो एसिड बन गया, प्यूरिन, पाइरिमिडिन, सिंपल शुगर, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, मेथेन, कार्बाइड, सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए, जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। और इन मॉलिक्यूल्स के बनने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए, जितनी भी एनर्जी चाहिए, वो अपन ने पहले भी बताया था, वो सारी के सारी कहां से मिलती है, लाइटनिंग से, वोल्केनिक इरप्शन से, यूवी रे से, एक्सरे से, और रेडियो एक्टिव डीके जो है होता है उससे भी एनर्जी निकलती है। तो ये इन सबसे एनर्जी लेकर के ये सारे के सारे जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिनको अपन माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, तो समुद्र के अंदर जो ओशियन होता है उसके अंदर ये सारे के सारे बन गए। ये जो बना है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं समुद्र के अंदर, उसी को प्राइमोर्डियल फ्लूड बोलते हैं। आपने बार बार में पढ़ा होगा जीवों की उत्पत्ति प्राइमोर्डियल फ्लूड से हुई है। वो प्राइमोर्डियल फ्लूड क्या है, यही वो प्राइमोर्डियल फ्लूड है जिसे जीवों की उत्पत्ति हुई है, और वो कहां पर हुई है, ओशियन में। इस प्राइमोर्डियल फ्लूड को हार्डिन ने क्या कहा था, होट डायलिटिक सूप, होट डायलूट सूप, ठीक है, ब्रोथ भी बोलते हैं इसको, और प्रीबायोटिक सूप भी बोलते हैं। तो ये जो सूप है कौन सा, जिसको ब्रोथ भी बोलते हैं,
होट डाइल्यूट सूप भी बोलते, प्रीबायोटिक सूप भी बोलते, प्राइमोर्डियल फ्लूड भी बोलते। इस सूप से फिर आगे जाकर के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बाद में क्या बने, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसके बाद में अब ये जितने भी कंपाउंड बने, इसको आज लगभग 1950 के अंदर मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करके बताया था, और उस एक्सपेरिमेंट को लेते हैं। तो नेक्स्ट अपन बताते हैं ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे इसका एक प्रूव है टू सपोर्ट दिस हाल्डेन एंड ऑपेरिन थ्योरी। मिलर एंड यूरे परफॉर्म एक एक्सपेरिमेंट बाय विच दीज मॉलिक्यूल्स, दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंट। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते जो मिलर और यूरे का जो एक्सपेरिमेंट है वो। नेक्स्ट जो आता अपना आता है मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जो ग्रोथ बना है, जो होट डाइल्यूटिक सूप बना है, और उस सूप से के अंदर जो ये केमिकल्स जो बने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बने, वो मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये सिद्ध करके दिखाया कि वास्तव में रिड्यूसिंग एनवायरमेंट के अंदर किस प्रकार से इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो हार्डन थ्योरी के सपोर्ट में मिलर और यूरे ने ये एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या कि एक यूट्यूब लिया और इस यूट्यूब को एक बॉइलिंग वाटर का फ्लास्क है उससे जोड़ दिया, और यहाँ पर एक दूसरा फ्लास्क है उससे जोड़ दिया। इस फ्लास्क के अंदर क्या लिया है, मिथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ठीक है। ये एटमोस्फेरिक चैम्बर कहलाता है। ये जो मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया वो 2:1:2 रेशियो से लिया, ठीक है। अब यहां पे बॉइलिंग वाटर है और इसके नीचे यहां पर एक कंडेंसर लगा दिया ताकि वो वाष्प है वो ठंडी होकर के उसका पानी बन जाए। इस चैम्बर के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए, यहां पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो ये चैम्बर एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है, इस चैम्बर में क्या लिया, इस फ्लास्क में क्या लिया, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, किस रेशियो में, 2:1:2 रेशियो में। ये फ्लास्क क्या रिप्रेजेंट करता है, एटमोस्फेरिक चैम्बर नाम दिया इसका अपन ने। मतलब उस समय जो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था उस एनवायरमेंट में क्या क्या जो मॉलिक्यूल्स थे, जैसे मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इस रेशियो से लिया इसका मतलब उस समय ये इस रेशियो में वहां पर मिलती थी, वही रेशियो यहां पर लिया गया शायद। तो ये एटमोस्फेरिक चैम्बर। यहां पर बॉइलिंग वाटर लिया, बॉइलिंग वाटर का मतलब ओसिनिक वाटर लिया। एक तरीके ये तरीके से क्या काम करता है, ओसिनिक चैम्बर, ये ओसिनिक चैम्बर का काम करता है, यानी ये काम करता है ओशन का पानी, और उस पानी में पाए जाने वाले ये जो है वो सब्सटेंसेस उसमें यहां पर उनको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इस बॉइलिंग वाटर को गर्म किया गया लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया गया। तो इसमें जो वाष्प बनती है उस वो वाष्प इस यूट्यूब से किस में आती है, इस एटमोस्फेरिक चैम्बर में, और उसके बाद में जो यहां से जो वेपर बनती है वो इस कंडेंसर से होकर के गुजरती है। इस कंडेंसर के अंदर ठंडा पानी जाता है और गर्म पानी है वो बाहर निकल जाता है। तो इस कंडेंसर से होकर के जो वाष्प नीचे आती है और यहां आने के बाद में वो यहां पर आकर के इकट्ठी होती है। यहां पर जो वेपर इकट्ठी होती है, जो पानी ठंडा होकर के जो इकट्ठा होता है, उसमें पाया गया कि यहां पे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड मिले इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय जो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था उस एनवायरमेंट को इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यहां पे वही कंडीशंस दी गई है, वही 2:1:2 रेशियो के अंदर ये अमोनिया और ये हाइड्रोजन और ये मेथेन लिया गया, और उसी समय एनवायरमेंट में यही मिलती थी, और ये सारी क्रिया किस में हो रही है, ओशन में। ये ओशनिक चैम्बर बना रखा है यहाँ पे, तो ये ओशन के अंदर पाया जाता है, गर्म किया गया वेपर बनी और इसके साथ में रिएक्शन करके और इस प्रकार से यहाँ पे इसको जो एनर्जी देने के लिए इनको क्या चाहिए, इनको बनने के लिए एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे 800 डिग्री का यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बना है वो क्या बना है, उसमें खूब सारे अमीनो एसिड पाए गए। तो ये एक्सपेरिमेंट लगभग उन्होंने कंटिन्यू उसमें वेपर को जो है प्रोवाइड किया लगभग 18 दिन तक कंटिन्यू। उसके बाद में देखा कि कंडेंसर से होकर के नीचे जो पानी आता है उस पानी के अंदर खूब सारे अमीनो एसिड थे। तो ये
थ्योरी वो प्रूव करती है कि ये हार्डेन और ओपेरिन ने जो इस प्रकार से जो प्रीबायोटिक सूप के अंदर जो इस तरीके से जो चीजें बनती है, जो यहाँ पर जो एमिनो एसिड दिखाया तो उस प्रकार से यहाँ पर एमिनो एसिड बनाकर के दिखाया। और यूरे एंड मिलर ने उस समय जो एमिनो एसिड प्राप्त किए वो कौन से थे, सबसे सिंपल वाला ग्लाइसिन ग्लाइसिन और एलेनाइन और एस्पार्टिक एसिड ये भी ये एमिनो एसिड यहाँ पर मिले। इसके अलावा भी यहाँ पर मिले जैसे एचसीएल, यूरिया, एसिटिक एसिड, इस प्रकार भी पाए गए हैं। तो ये क्या इसको सपोर्ट करते हैं, ओपेरिन हार्डन कंसेप्ट को। इसके बाद में मिलर और यूरे ने क्या किया, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और भी किया जिसमें उन्होंने ये इलेक्ट्रोड नहीं लगाए। जब इलेक्ट्रोड नहीं लगाए तो एनर्जी यहाँ पर नहीं मिली, तो इस प्रकार से यहाँ पर एमिनो एसिड नहीं बने थे। तो इस प्रकार से ये इसको सपोर्ट करती है, मिलर और जो यूरे का जो एक्सपेरिमेंट है वो इसको सपोर्ट करता है ओपेरिन हार्डन थ्योरी को, कि वो किस प्रकार रिड्यूसिंग एनवायरमेंट के अंदर है वो ये जो केमिकल्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो किस प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन, इसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर अपन ने पढ़े थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंपल, और उसके बाद में मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट जो ये प्रूव किया था कि किस प्रकार से उस इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल्स बने थे। और उसके बाद में आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वही मिलकर के क्या बनाते हैं, कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे अमीनो एसिड मिलकर के आपस में इनका पॉलीमराइजेशन होकर क्या बने, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स। सिंपल शुगर से क्या बन गए, कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरीके से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, फैट्स। प्यूरीन, पाइरिमिडीन, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब इस मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिसमें न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए क्वेश्चन उठता है कि विच कम फर्स्ट, आरएनए और प्रोटीन। आरएनए पहले उत्पन्न हुआ या प्रोटीन उत्पन्न हुआ, ये मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है। बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये है कि जो ओरिजिन क्रिक और वुज इन्होंने 1918 में एक थ्योरी दी थी, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ये थीसिस ये कहती है कि सबसे पहले है वो आरएनए बना, और वो आरएनए बनने का उनका पहले प्रोटीन से पहले आरएनए बनने का उनका जो एक तर्क था वो ये था कि जो आरएनए है वो सब्सट्रेट का काम भी करता है, आधार भी प्रदान करता है, किसी भी टेम्पलेट भी प्रोवाइड करता है, और वो एंजाइम का काम भी करता है। इसलिए सबसे पहले क्या बना था, आरएनए बना था। तो ये फर्स्ट इवोल्यूशन की स्टेज। उसके बाद में आता है 1978 में ये सिडनी फॉक्स ने एक सिद्धांत दिया था, हाइपोथेसिस प्रोटीन फर्स्ट हाइपोथेसिस। ये कह रहा है कि नहीं, पहले प्रोटीन बना था, और वो कहता है कि प्रोटीन कैटालिस्टिक सिस्टम डेवलप फर्स्ट, प्रोटीन कैटालिस्टिक सिस्टम डेवलप फर्स्ट। उन्होंने बताया कि ये जो प्रोटीन है वो सबसे पहले बना था, यद्यपि अभी भी मिस्ट्री बना हुआ, बट दिस थ्योरी आरएनए वर्ल्ड थ्योरी इज मोर एप्रोप्रिएट। उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो अपना वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। यहां पर अपने न्यूक्लिक एसिड बना दिया। अब जितने भी न्यूक्लिक एसिड है वो प्रोटीन के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन, जो कि एक क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन मटेरियल की सबसे छोटी यूनिट होती है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन, जो अपन पढ़ते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। क्योंकि क्रोमेटिन मटेरियल में केवल डीएनए नहीं है, डीएनए के साथ में क्या जुड़ा होता है, हिस्टोन प्रोटीन जुड़े होते हैं, H1, H2, H2 AB, A, H2 B और H3। तो इस प्रकार से जो हिस्टोन प्रोटीन है वो न्यूक्लिक एसिड के साथ में मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। और वही न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, फ्री लिविंग जीन्स। जो फ्री लिविंग जीन्स है वो जो सबसे पहला, कोई जीव अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई जीव का ओरिजिन नहीं हुआ है, बट जो मोलिक्यूल्स बने, केमिकल इवोल्यूशन जो हुआ है, कीमोजेनी जो हुआ है, उसमें अपने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्या पढ़ा,
कि यहाँ लास्ट में अपन ने क्या बनाया, न्यूक्लियो प्रोटीन, जो एक तरीके से फ्री लिविंग जीन का काम करती है, जीव उत्पन्न नहीं हुआ, फ्री लिविंग है, और ये फर्स्ट साइन है लाइफ का, फर्स्ट साइन है। तो इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, ओपेरिन और हार्डन के सिद्धांत के अनुसार केमिकल इवोल्यूशन, जिसमें अपन ने पांच स्टेप पढ़ी है। फर्स्ट है एटॉमिक फेज, दूसरी वो फेज जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, और दूसरी तीसरी फेज है उसमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, और फोर्थ स्टेज है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स बने, और उसके बाद में क्या बनता है, न्यूक्लियो प्रोटीन। जो क्रोमेटिन, न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है क्रोमेटिन की सबसे छोटी से छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियो प्रोटीन, जिसमें डीएनए आरएनए प्लस उसके साथ में क्या जोड़ा, मेनली इसमें डीएनए होता है, डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ता है, वो न्यूक्लियो प्रोटीन बनता है। इस प्रकार से वहां पर पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला जो लाइफ का साइन है वो उत्पन्न हुआ, इस प्रकार से केमिकल इवोल्यूशन होता है। तो ये है ओपेरिन और हार्डन का केमिकल इवोल्यूशन या कीमोजेनी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन है वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ेंगे। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य बच्चों को भी वो फायदा मिले। थैंक्स।